हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है गॉल ब्लैडर एंड एक्स्ट्रा बिलियरी ट्री। इसमें हम सबसे पहले गॉल ब्लैडर का एनाटॉमी देखेंगे। गॉल ब्लैडर का शेप कैसा होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा गॉल ब्लैडर रहता है सिस्टिक डक्ट में इस तरह से अटैच रहता है। ये नेक है, ये फंडस है, ये बॉडी है, ठीक है। तो ये कैसा होता है? ये पियर शेप का होता है, ठीक है। अगर लॉन्ग की बात करें तो ये 7 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ये कितना कैपेसिटी है इसका? एवरेज कैपेसिटी 30 से 50 ml ये स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन आती है गॉल ब्लैडर में, जैसे कि इस तरह से मान लीजिए कि सिस्टिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो ये कितना तक ये स्टोर कर सकता है? तो 300 ml तक स्टोर कर सकता है। मतलब ये फूलते जाएगा। कब तक ये फूलेगा? जब तक कि 300 ml ना हो जाए, उसके बाद ये रप्चर कर जाएगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर लोकेटेड कहाँ होता है? तो ये लोकेटेड होता है हमारा जो लीवर है ना, उसके इन्फीरियर सरफेस में। मतलब जो लीवर का इन्फीरियर सरफेस का जो फोसा होता है ना, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारा ये लीवर है, तो यहाँ पर एक फोसा होता है, वहाँ पर हमारा गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ये जो फोसा है वो किसको लाइन करता है? तो ये मेनली लाइन करता है इन्फीरियर वेना कावा, जो डिवाइड करता है लंग को राइट टू लेफ्ट लोब में, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इसके लेयर पढ़ने से पहले हम जो GIT है ना, उसके लेयर पढ़ते हैं। मेनली जो हमारा GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, इसमें 4 लेयर पढ़ने को मिलते हैं। सबसे पहला म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस प्रोपिया और सेरोसा। म्यूकोसा का भी 3 लेयर होता है, इपिथेलियम, लैमिना प्रोपिया और मस्कुलरिस मुकोसा। जो हमारा मस्कुलरिस प्रोपिया है, इसका 2 लेयर होता है, अंदर में सर्कुलर और बाहर में लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये मेनली हमारा GIT का लेयर है। इसमें मेनली 2 प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं GIT में। कौन कौन सा? तो एक तो ऑरोवेक और दूसरा मिसनर। जो हमारा ऑरोवेक है ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो वो प्रेजेंट होता है कौन? ARBACH ये प्रेजेंट होता है इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल के बीच में, ठीक है। मतलब कहाँ पे? तो जो मस्कुलरिस प्रोपिया था, उसका जो लेयर था इनर सर्कुलर और आउटर सर्कुलर, उसके बीच में ऑरोवेक प्रेजेंट होता है प्लेक्सस। इसका क्या काम है? ये पेरिस्टाल्टिस में हेल्प करता है, ठीक है। जो मिसनर, अब दूसरा कौन सा प्लेक्सस था? मिसनर प्लेक्सस, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये इनर सर्कुलर लेयर और इनर सर्कुलर लेयर और मस्कुलर मुकोसा के बीच में रहता है। किसका? मस्कुलर मुकोसा के बीच में रहता है। इसका क्या काम है? ये मोटिलिटी का काम करता है और इंटेस्टाइनल सेक्रिएशन का काम करता है। तो अब GIT का पढ़ रहे हैं, तो GIT का थोड़ा फीचर जान लेते हैं। जो हमारा इसोफेगस है, क्या इसोफेगस, जिस ये क्या है? खुद पाइप है जिससे खाना नीचे की ओर जाती है मुंह से पेट की पास। इसमें कोई भी सेरोसा नहीं होता है, मतलब ऊपर वाला लेयर नहीं होता, कोई भी विलाई नहीं होता, मतलब इसमें ऑब्जर्प्शन नहीं होगा, कोई भी सेक्रिएशन नहीं होता, कोई भी मिसनर प्लेक्सस नहीं होता। मिसनर प्लेक्सस मतलब इसमें कोई भी सेक्रिएशन या नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है हमारा लैमिना प्रोपिया, जिसमें लिम्फैटिक मिलेगा। ये इसका यूनिक फीचर है। जो हमारा लिम्फैटिक है ना, वो मेनली सब म्यूकोसा में पाया जाता है। लेकिन जो हमारा क्या है, इसोफेगस है, इसमें लिम्फैटिक लैमिना प्रोपिया में पाया जाएगा, ठीक है। अगर कोई पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ GIT क्या होता है, तो वो होगा सब म्यूकोसा। इवन इतना स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कि जो सीप का इलियम है ना, उससे हम कैटगट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैटगट, ठीक है। अब जो मस्कुलरिस मुकोसा और सब मुकोसा है, ये गॉल ब्लैडर में एब्सेंट होता है। मतलब कि मुकोसा, अब 4 लेयर था ना, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस प्रोपिया और सेरोसा,
म्यूकोसा का कितना लेयर था, एपिथेलियम, लेमिना प्रोपिया और मस्कुलरिस मुकोसा। तो ये मस्कुलरिस मुकोसा एब्सेंट रहेगा, और क्या एब्सेंट रहेगा, सब म्यूकोसा एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर में कौन कौन सा एब्सेंट है, सब मुकोसा और मस्कुलरिस प्रोपिया। ठीक है, सॉरी मस्कुलरिस मुकोसा, यहाँ तक समझ गए। अगर कोई पूछे मैक्सिमम एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी किस में होता है, तो सबको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जीजीएम। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी पर यूनिट सरफेस एरिया किसका होता है, तो वो होता है हमारा गॉल ब्लेडर का। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि जो गॉल ब्लेडर है उसका पियर शेप या पायरीफॉर्म शेप का होता है, इसका कलर क्या होता है, तो सी ग्रीन कलर का होता है। ये कितना स्टोर करता है, तो 30 to 50 ml कैपेसिटी होता है। इसका लाइनिंग क्या का होता है, अगर हिस्टोपैथोलॉजी देखें तो ये टॉल कॉल्यूमनर इपिथेलियम का प्रजेंट होता है। फंक्शन कोई बोले तो ये स्टोरेज का काम करता है, कंसंट्रेशन का काम करता है, और बाइल को एसिडिफिकेशन का काम करता है। अब बाइल का एसिडिफिकेशन, तो बाइल क्या है, तो बाइल में 85 to 95% वाटर रहता है, 5 to 10% कोलेस्ट्रॉल, बाइल डक्ट, लेसिथिन देखने मिलता है उसमें। जो बाइल डक्ट और जो लेसिथिन है ना, वो माइसिली फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कौन सा फॉर्मेशन, माइसिली। अब इसका क्या काम है, तो जब फैट का ब्रेकडाउन करते हैं, इसमें माइसिली क्या करता है, फैट के चारों ओर इस तरह से, फैट के चारों ओर इस तरह से आके इसको हेल्प करता है ब्रेकडाउन में। ठीक है, अब चलिए थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा सिस्टिक दग्ध है। ठीक है, सिस्टिक दग्ध से इस तरह से हमारा क्या गॉल ब्लैडर निकला है, ये नेक है, ये बॉडी है, ये फंडस है। ये क्या है, ये है हमारा सिस्टिक दग्ध। क्या है, सिस्टिक दग्ध। सिस्टिक दग्ध में इस तरह से लाइनिंग होती है अंदर में, जिसको हम क्या करते हैं, स्पायरल लाइनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं स्पायरल बल्ब ऑफ फिशर। क्या कहते हैं, स्पायरल बल्ब ऑफ फिशर, HESTER। ठीक है, HEI। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है, इस तरह से स्पिंचर होता है। स्पिंचर क्या, गेट जो ओपन और क्लोज होने में हेल्प करे, इसको कहते हैं स्पिंचर ऑफ लुटकन, LUTKAN। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई लार्ज स्टोन यहाँ पर आके इस तरह से फंस गया सिस्टिक डक्ट में। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, गॉल ब्लैडर में डिस्टेंशन होगा। कब तक डिस्टेंशन हो सकता है, 350 ml तक डिस्टेंशन हो सकता है। तो यही जो म्यूकस का डिस्टेंशन होता है ना, उसको हम म्यूकोसीली कहते हैं। क्या, म्यूकोसीली। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके जो अभी चार पात पढ़े थे, क्या फंदस, बॉडी, नेक, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फंदस क्या है, रौंद है, ब्लाइंड इंड है। ब्लाइंड इंड कहने का क्या मतलब होता है, एक इंद ओपन रहेगा, दूसरा इंद क्लोज रहेगा। तो आपको पता है ये कैसा है, रौंदेड है, ब्लाइंड इंड है। ठीक है, एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो लीवर के मार्जिन में 1 to 2 cm तक एक्सटेंड होता है। इसमें क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। दूसरा बॉडी, ये मेन स्टोरेज एरिया होता है, और सबसे ज़्यादा इलास्टिक टिश्यू इसमें प्रजेंट होते हैं। बॉडी है जो नेक से फंडस के बीच में एक्सटेंड होता है। अब नेक क्या है, ये फनल शेप्ड एरिया है जो कनेक्ट करता है सिस्टिक डक्ट को गॉल ब्लैडर से। ठीक है, ये जो नेक है, जेंटल कर्व इसमें होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, और अगर ये इनलार्ज हो जाए तो इन फंडिबुलम फॉर्म करता है, जिसको हम हार्टमैन पॉच कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्टमैन पॉच। ठीक है, और जब एनाटॉमी की, ये जो गॉल ब्लैडर होता है ना, वो सिंगल होता है, हाईली फोल्डेड होता है, टॉल कॉल्यूमनल एपिथेलियम का प्रेजेंट होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेगा। म्यूकस जो सेक्रिएट होता है गॉल ब्लैडर के अंदर होता है, किसके द्वारा होता है, तो ट्यूबो एल्वियोलर ग्लैंड के द्वारा होता है।
अब ये टीबो अल्वियोलर ग्लैंड आप सोच रहे होंगे कहाँ पर होगा, तो इस तरह से आप सिस्टिक डक्ट देखें, ये क्या है, नेक बॉडी फंडस, ठीक है। यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर प्रजनन था स्पिंक्चर ऑफ लुटकन और स्पायरल वाल्व ऑफ हिस्टर। इसके पास ये नेक में इस तरह से होता है, उसको हम कहते हैं टीबो अल्वियोलर ग्लैंड, जो सक्रियत करता है म्यूकस को। तो म्यूकस अगर पूछेगा कहाँ से सक्रियत होता है, तो टीबो अल्वियोलर ग्लैंड ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, जो म्यूकोसा लाइनिंग होता है इनफंडिबुलम और नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर के पास। मेनली ये जो म्यूकोसा होता है वो एब्सेंट होता है बॉडी और फंडस में, ठीक है। एपिथेलियम लाइनिंग जो है ना गॉल ब्लैडर का, वो सपोर्टेड होता है लैमिना प्रोपिया के द्वारा। इट इज कवर्ड बाय सेरोसा, ये कवर्ड होता है सेलोसा का, ठीक है। एक्सेप्ट वेयर द गॉल ब्लैडर इज एम्बेडेड इन द लीवर, जो हमारा ये गॉल ब्लैडर है उसका जो ऊपर वाला लाइनिंग है वो सेरोसा है, लेकिन सब जगह प्रेजेंट नहीं होता। जब ये इन्वेड करता है ना लीवर में, वहाँ पर वो एब्सेंट होता है, ठीक है। हो सकता है कि गॉल ब्लैडर इज कवर्ड बाय सेरोसा एक्सेप्ट, तो जहाँ पर इन्फीरियर मार्जिन ऑफ द लीवर में, फोसा में, ठीक है। गॉल ब्लैडर हिस्टोलॉजिकली डिफर होता है रेस्ट ऑफ जीआई ट्रैक से, ठीक है, क्योंकि इसमें मस्कुलरिस मुकोसा और सब मुकोसा एब्सेंट होता है। सिस्टिक आर्टरी जो है ना सप्लाई करता है गॉल ब्लैडर को, जो ब्रांच किसका होता है, राइट हेपेटिक आर्टरी का होता है, ठीक है। सिस्टिक आर्टरी भी वेरी करते रहता है, कभी हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल के पास रहता है, तो कभी ये वॉन्ड कर देता है सिस्टिक डक्ट में, ठीक है। तो ये फॉर्म करता है ट्रायंगल ऑफ कैलोथ, याद रखिएगा, जो हमारा सिस्टिक डक्ट है ना वो क्या फॉर्म करता है, ट्रायंगल ऑफ कैलोथ। अब ये ट्रायंगल ऑफ कैलोथ होता क्या है, तो ये ट्रायंगल ऑफ कैलोथ मेनली तीन चीज़ों से, ट्रायंगल तो तीन मार्जिन है, कौन कौन सा, लीवर मार्जिन, कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट। मतलब कि जहाँ पर, यहाँ पर देखिए पिक्चर कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारा लीवर मार्जिन हो, ठीक है, लीवर मार्जिन हो, जहाँ पर कॉमन हेपेटिक डक्ट हो, कॉमन हेपेटिक डक्ट यहाँ पर है, ठीक है, और क्या हो, तो सिस्टिक डक्ट हो, तो इस तरह से ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कैलोथ ट्रायंगल। यहाँ तक बाइल डक्ट, बाइल डक्ट क्या होता है, जैसे कि लीवर से क्या होता है, राइट हेपेटिक डक्ट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों मिलता है, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनता है, इधर से सिस्टिक डक्ट आता है, सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों क्या बना देता है, तो वो बना देता है कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट आ जाता है कहाँ पर, तो पैनक्रियाज में आ जाता है, पैनक्रियाज में, यहाँ पर स्पिंचर ऑफ ओडी है, उसके थ्रू ये सेकेंड डुओडेनम का सेकेंड वाला पाथ में चला जाता है, ठीक है। अब कोई पूछे कि बाइल, ये जो राइट हेपेटिक डक्ट है और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है कौन ज़्यादा लंबा होता है, तो देखिए लंबा ज़्यादा कौन फैला हुआ है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हेपेटिक डक्ट क्या होता है, ज़्यादा लॉन्गर होता है एज़ कंपेरिजन टू राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। दो दो डक्ट है वो ज्वाइन करके कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाता है, ठीक है। कॉमन हेपेटिक डक्ट कितना सेंटीमीटर का होता है, तो 1 से 4 सेंटीमीटर या लेंथ होता है, डायमीटर कितना होता है, 4 mm होता है, ठीक है। और ये रहता कहाँ पे है, तो पोर्टल वेन के फ्रंट में रहता है, और कहाँ पे रहता है, तो राइट हेपेटिक आर्टरी में रहता है, ठीक है। जो कॉमन बाइल डक्ट है वो ज्वाइन करता है एक्यूट एंगल से सिस्टिक डक्ट से, बनाता है कॉमन बाइल डक्ट। अब ये सिस्टिक डक्ट क्या होता है, ओसा डक्ट जो गॉल ब्लैडर से निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं। सिस्टिक डक्ट के फ्रंट में क्या होता है, देखिए ये क्या है, हमारा सिस्टिक डक्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, नेक वाला पाथ में, यहाँ पर जहाँ पर हमारा क्या गॉल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट जहाँ पे जुड़ता है उसको नेक कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मुकोसल फोल्डिंग होता है, इसी फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, स्पायरल वाल्व ऑफ हियास्टल, क्या स्पायरल वाल्व ऑफ हियास्टल। ये जो है ना इसमें कोई भी वाल्व नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसका कैनुलेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है वो कितना सेंटीमीटर का होता है लेंथ, 7 से 11 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, और डायमीटर 5 से 10 mm होता है, ठीक है।
अब देखिए, जो अपर थर्ड सुप्राड्यूओडेनल पोर्शन है वो पास करता है नीचे की ओर फ्री एजेज ऑफ हेपेटोड्यूओडेनम लिगामेंट से, और राइट हेपेटिक डक्ट तक जाता है और एंटीरियर टू पोर्टल वेन तक जाता है। इसी को हम कहते हैं सुप्राड्यूओडेनल पोर्शन। अब रेट्रोड्यूओडेनम सुप्राड्यूओडेनम के ऊपर वाला, ठीक है। मिडिल थर्ड मतलब रेट्रोड्यूओडेनम क्या होता है, ड्यूओडेनम के पीछे जो कॉमन बाइल डक्ट होता है ना, कॉमन बाइल डक्ट का मिडिल थर्ड कर्व क्या होगा, ड्यूओडेनम के पीछे से होते हुए फिर वो आता है और ये लेटरल होता है, लेटरल टू द पोर्टल हेपेटिक वेन एंड हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। लोअर थर्ड जो होता है ना, ये बाइल डक्ट का, बाइल डक्ट का बात कर रहे हैं। देखें यहाँ पे पिक्चर से दिखाती हूँ, ये हमारा बाइल डक्ट मान लीजिए, ठीक है। तो ये दो ड्यूओडेनम से जहाँ ओपन होता है, इसके ऊपर वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ये बात कर रहे हैं। देखिए ऊपर वाला पार्ट जहाँ तक वो ड्यूओडेनम के पीछे नहीं गया, ये ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, फिर ये चला गया ड्यूओडेनम से पीछे होते हुए, फिर ये पैनक्रियाज में चला जाता है, तो ये लेत्रो पाथ, और ये जो जाता है उसको क्या कहते हैं, लोअर पाथ, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, चलिए। लोअर पाथ जो होता है वो पैनक्रियाटिक पोर्शन में होता है, और ये बिहाइंड द हेड ऑफ पैनक्रियाज होता है, ग्रूव के थ्रू आता है और सेकेंड पाथ ऑफ ड्यूओडेनम में जाके मिल जाता है। कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, 7 से 11 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 5 से 10 mm डायमीटर होता है, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट रन कैसे करेगा, तो ऑब्लिक रन करेगा नीचे की ओर, और कहाँ पर, तो विद इन द वॉल ऑफ ड्यूओडेनम, 1 से 2 सेंटीमीटर बिफोर द ओपनिंग ऑफ पेपिला ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, जहाँ पे एम्पुला ऑफ वेटर होता है, यहाँ पे ये क्या करता है, मतलब कि ये क्या होता है, ये मान लीजिए कि हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट है, यहाँ पर इस तरह से ये मिल जाता है ड्यूओडेनम से 1 से 2 सेंटीमीटर पहले, ये दोनों क्या होते हैं, मिल जाते हैं और बना, इसको क्या कहते हैं, वहाँ पे जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होता है उसको हम एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं, ठीक है। और ये पाइलोरस से कितना डिजिटल होता है, तो 10 सेंटीमीटर डिजिटल होता है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या पर है, एम्पुला ऑफ वेटर पर है, ठीक है। और क्या पर है, तो जो मेन है वो वाल्व ऑफ क्या पर है, वाल्व ऑफ हियाटस पर है, हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये टाइप दिया हुआ है कि कितने टाइप के होते हैं, देखिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। अब ये टाइप क्या है, तो ये एबनॉर्मलिटीज बताया है कि क्या क्या एबनॉर्मलिटीज आ सकती है। जैसे कि टाइप 1 में देखिए, ये 2 बना हुआ है पैनक्रियाटिक डक्ट, और वहाँ पर जो हमारा ये जो सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट आया है, वो नीचे वाले से जुड़ा हुआ है, पतले वाले पात से, सेकंड वाले में मोटे वाले पात से जुड़ा हुआ है, थर्ड में सिर्फ एक ही ये पैनक्रियाटिक डक्ट बना है, फोर्थ में 2 बना है लेकिन दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, और ये जो ये सिस्टिक डक्ट है वो सेपरेट वाला से जाके जुड़ा है। उसके बाद फिफ्थ में क्या है, तो ये जो है एक ही बना है और एक किस तरह से स्पायरल रूमिनेंट बना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका एबनॉर्मलिटीज होती है टाइप 1 से टाइप 5। चलिए अब देखते हैं इसके टाइप ऑफ बाइल। 2 तरह का बाइल होता है, एक जो हेपेटिक से निकलता है और दूसरा जो गॉल ब्लैडर से निकलता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, जो हेपेटिक से निकलता है ना, उसका जो टोनिसिटी है आइसोटोनिक होता है, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर होता है, और गॉल ब्लैडर में जो होता है उसमें हाइपरटोनिक होता है, मतलब कि सॉल्यूट ज़्यादा होता है, ठीक है। जब हेपेटिक की बात करें तो इसमें ज़्यादा प्लाज्मा देखने को मिलेगा, और जब गॉल ब्लैडर की बात करें तो इसमें एनायंस कम होंगे, क्लोराइड कम होंगे, बाइकार्बोनेट कम होंगे, क्योंकि ये जो है वो मेनली गॉल ब्लैडर के इपिथीलियम के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन की बात करें तो हेपेटिक में 3 से 4 ग्राम पर डीएल होता है, और जब गॉल ब्लैडर की बात करें तो 10 से 15 ग्राम पर डीएल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर का रीऑब्जर्प्शन होता है, तो सॉल्यूट ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। जब हम बाइल कंपोजिशन की बात करते हैं तो मेजर जो बाइल होता है वो होता है हमारा बाइल एसिड, 80% मिलता है। इसके अलावा लेसिथीन, फॉस्फोलिपिड, अनस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल होता है,
ठीक है, और 8 से 10% लिथोजेनिक स्टेट होता है, मतलब कि पता नहीं होता है। ठीक है, अदर कौन कौन से और भी हो सकते हैं, तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, म्यूकस, ड्रग एंड मेटाबोलाइट। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका एक टेबल ऐसे बना हुआ रहता है, टेबल में क्या है, तो इस तरह का टेबल ट्रायंगल रहेगा, इधर परसेंटेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इधर परसेंटेज ऑफ फॉस्फोलिपिड, इधर परसेंटेज ऑफ बाइल साल्ट होता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो इस तरह से कीजिए, ये वाला हमारा सेंट्रल फेज होता है। सेंट्रल फेज में क्या होगा, माइसिली वेसिकल क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, ये है राइट फेज। राइट फेज में क्या होगा, माइसिली वेसिकल का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर क्या है, तो सिर्फ माइसिली का फॉर्मेशन होता है, मतलब सबसे पहला फेज में सिर्फ माइसिली का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकेंड फेज में क्या होगा, माइसिली के साथ वेसिकल का फॉर्मेशन होगा, और थर्ड फेज में क्या होगा, तो माइसिली वेसिकल के क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से समझाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, पहला फेज में माइसिली का फॉर्मेशन होता है, दूसरा फेज में दो होता है, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट में क्या हो जाएगा, तो राइट में माइसिली और वेसिकल का फॉर्मेशन होगा, लेफ्ट में माइसिली और क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। थर्ड में क्या है, सेंट्रल फेज, इसमें माइसिली वेसिकल और क्रिस्टल तीनों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बिलियली सिक्रिएशन, जो बेसल हेपेटिक बाइल है वो एक बार में कितना बाइल जूस सिक्रिएट करता है, तो 500 से 600 cc³/cm। और ये रेगुलेट कैसे होता है, बाइल फ्लो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाइल एसिड के द्वारा। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक एनायन के द्वारा। ठीक है, और कोलेंजियो सेलुलर सेक्रिएशन के द्वारा, जो सेक्रेटिन मेडिएटेड होता है, और ये मेनली सोडियम और बाइकार्बोनेट रिच होता है। और कैसे होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिस्टम के द्वारा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसोलेटरल दो तरह का होता है, एक तो बेसोलेटरल और दूसरा एपिकल। एपिकल में एक स्पोर्ट पंप होता है, और बेसोलेटरल में बाइल साल्ट का अपटेक होता है। ठीक है, बाइल एसिड भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी बाइल एसिड और सेकेंडरी बाइल एसिड। प्राइमरी बाइल एसिड है मतलब कि वो लीवर में सिंथेसिस हुआ है, और उसका कंजुगेशन ग्लाइसेलिन और टॉलिन से होगा। ठीक है, जिसका नाम है कोलिक एसिड और सिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। सेकेंडरी जो बाइल एसिड है वो मेनली ये जो ये कोलोनिक कोलोन होता है ना, उसमें बैक्टीरिया के कारण होता है, ये डिऑक्सीकोलेट, लिथोकोलेट और अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड होता है। इसका मैं एक अलग से बताती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यही दिया हुआ है, क्या है यहाँ पर, कोलेस्ट्रॉल से प्राइमरी बाइल एसिड बना है, मतलब कि कोलिक एसिड और सिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। ठीक है, अब इसका क्या हो सकता है, दो चीज़ हो सकता है, या तो ये कंजुगेटेड बाइल एसिड बनेगा या सेकेंडरी बाइल एसिड बनेगा। अगर उसको सेकेंडरी बाइल एसिड बनना है, तो वो मेनली बनता है हमारे गत में बैक्टीरिया के द्वारा, डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा। तो कोलिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो बन जाएगा डिऑक्सीकोलिक एसिड, और जब सिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा तो बन जाएगा लिथोकोलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या था, कि ये कंजुगेट हो जाएगा लीवर में, किसके द्वारा, तो टॉलिन के द्वारा। ठीक है, तो अगर मेनली कंजुगेट होगा किसके द्वारा, ग्लाइको के द्वारा, तो कोलिक एसिड तो ग्लाइकोकोलिक एसिड, टॉलिन के द्वारा तो टाइलोकोलिक एसिड। अब सिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड है, तो जब इसका ग्लाइको के द्वारा होगा तो ग्लाइको सिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड, और टॉलिन के द्वारा होगा तो टाइरोडिऑक्सीकोलिक एसिड। और क्या हो सकता है, तो डिऑक्सीकोलिक एसिड का भी क्या होगा, कंजुगेशन होगा, तो इस तरह से सबके आगे क्या हो, ये ग्लाइसिन और टॉलिन ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हमारा कंजुगेटेड बाइल एसिड बन जाएगा। कंजुगेटेड बाइल एसिड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का बनता है। ठीक है, देखिए यही दिया हुआ है, क्या है यहाँ पर, कोलेस्ट्रॉल से प्राइमरी बाइल एसिड बना है, मतलब कि कोलिक एसिड और सिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। ठीक है, अब इसका क्या हो सकता है, दो चीज़ हो सकता है, या तो ये कंजुगेटेड बाइल एसिड बनेगा या सेकेंडरी बाइल एसिड बनेगा। अगर उसको सेकेंडरी बाइल एसिड बनना है, तो वो मेनली बनता है
हमारे गत में बैक्टीरिया के द्वारा, डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा। तो कोलिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो बन जाएगा डीऑक्सीकोलिक एसिड, और जब चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा तो बन जाएगा लिथोकोलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या था कि ये कंजुगेट हो जाएगा लीवर में किसके द्वारा, तो टॉलिन के द्वारा। ठीक है, तो अगर मेनली कंजुगेट होगा किसके द्वारा, ग्लाइको के द्वारा, तो कोलिक एसिड तो ग्लाइकोकोलिक एसिड, टॉलिन के द्वारा तो टाइलोकोलिक एसिड। अब चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड है तो जब इसका ग्लाइको के द्वारा होगा तो ग्लाइको चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, और टॉलिन के द्वारा होगा तो टायरो डीऑक्सीकोलिक एसिड। और क्या हो सकता है, तो डीऑक्सीकोलिक एसिड का भी क्या होगा, कंजुगेशन होगा। तो इस तरह से सबके आगे क्या हो, ये ग्लाइसिन और टॉलिन ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हमारा कंजुगेटेड बाइल एसिड बन जाएगा। कंजुगेटेड बाइल एसिड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का बनता है। अब देखते हैं जो बाइल एसिड है ना उसका क्या काम है। तो इसमें क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड होता है कि कितना टोटल लिपिड कंसंट्रेशन है, मोलर परसेंटेज क्या है बाइल एसिड का और लेसिथीन का। इसका फंक्शन क्या है, तो एक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को निकालता है। दूसरा, फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तीसरा, हेपेटिक बाइल फ्लो में फिजियोलॉजिकली हेल्प करता है। चौथा, ये स्मॉल डक्ट और कोलोन में क्या करता है, ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में क्या है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पैसिव से। पैसिव डिफ्यूजन इन्वॉल्व होता है अनकंजुगेटेड बाइल एसिड जो सारे गत में होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होता है कंजुगेटेड बाइल एसिड। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंजुगेटेड करता है और पैसिव डिफ्यूजन अनकंजुगेटेड करता है। ठीक है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना वो टर्मिनल इलियम में होता है। ठीक है, इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले नॉर्मल बाइल एसिड पोल आते हैं। नॉर्मल बाइल एसिड पोल कितना होता है, 2 से 4 ग्राम, जो फिकल लॉस के थ्रू 0.2 से 0.4 ग्राम पर डे लॉस हो जाता है। मैक्सिमम रेट ऑफ सिंथेसिस एक दिन में कितना होता है, 5 ग्राम पर डे। ये रिसाइकिल होता है, रिसर्कुलेट होता है 5 से 10 टाइम्स। रेगुलेशन कैसे होता है, तो बाइल एसिड कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में, वहाँ पर एक ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है फाइब्रोजिन ग्रोथ फैक्टर 19, वो क्या करता है, सप्रेस कर देता है बाइल एसिड के सिंथेसिस को। अब अब इसके कारण क्या होता है, बाइल एसिड का जो सिंथेसिस होता है वो सप्रेस होता है बाय सप्रेसिंग CYP450711, जो रेट लिमिटिंग एंजाइम कहलाता है या स्टेप कहलाता है, जिसके कारण गॉल ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है। और जो बाइल एसिड लॉस हो रहा है फिकल में वो लीवर सिंथेसिस के कारण होता है। ठीक है, तो अगर बाइल एसिड का लॉस हो फिकल्स में हो रहा है तो वो कहाँ से आएंगे, लीवर से आएंगे। तो अगर रेगुलेशन करना है, तो गॉल ब्लैडर को रिलैक्स करना है, तो हमें सप्रेस करना पड़ेगा बाइल एसिड के सिंथेसिस को। वो कैसे होगा, CYP457A को सप्रेस करके। ठीक है, अब देखते हैं गॉल ब्लैडर और उसके स्पिंक्चर फंक्शन का। तो गॉल ब्लैडर का कैपेसिटी कितना होता है, 30 cc को वो क्या करता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, स्पिंक्चर ऑफ ऑडी, आपको पता है स्पिंक्चर ऑफ ऑडी कहाँ पे होता है, यहाँ पर स्पिंक्चर ऑफ एक है, यहाँ पे स्पिंक्चर ऑफ ऑडी होता है। ये मेनली प्रिवेंट करता है रिफ्लक्स टू पैनक्रियाज एंड बाइल डक्ट, मतलब वो जो है बाइल एक बार चला गया दूध में तो दोबारा वापस न चल जाए, इससे बचाता है। और प्रमोट करता है फीलिंग ऑफ गॉल ब्लैडर, मेजर जो कंट्रोल करेगा गॉल ब्लैडर के कंसंट्रेशन को, कॉन्ट्रैक्शन को, कि कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा कब वो नहीं करेगा, वो करता है CCK। और ये CCK किसके द्वारा मेले किया जाता है, एक्टिवेट द्योदनम मुकोसा के द्वारा। ये जो CCK है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है गॉल ब्लैडर को, स्पिंक्चर ऑफ ऑडी कंसंट्रेशन को कम करता है और बाइल सेक्रेटरी फ्लो को बढ़ाता है। ठीक है, अब आते हैं डिजीज ऑफ द गॉल ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पर देखिए गॉल ब्लैडर एबनॉर्मलिटी, ये क्या हो सकता है, एबनॉर्मल पोजीशन के कारण हो सकता है, इंट्राहेपेटिक, रुडिमेंट्री,
एनोमेलस फॉर्म या डुप्लीकेटेड फॉर्म। अगर आइसोलेटेड कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ गॉल ब्लैडर मेनली रेयर देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंजेनाइटल के बारे में। कंजेनाइटल में जो गॉल ब्लैडर है उसके ट्रैक में एबनॉर्मिटी जाती है। सबसे पहले क्या देखेंगे, एजिनेसिस। एजिनेसिस में क्या होता है कि गॉल ब्लैडर का ट्रैक बनता ही नहीं है। डुप्लीकेशन, इसमें क्या होता है, गॉल ब्लैडर दो गो बन जाता है, रुडिमेंट्री। तो ये सब का मैं पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है,